अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर सादिया रज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू टीच चिल्ड्रन यस एंड नो। जिन बच्चों को डेवलपमेंटल डिले है या स्पीच डिले है, ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या टिपिकल ग्रोइंग चाइल्ड है, उन सब को अगर हम एक बार यस एंड नो सिखा देते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हमें समझ आ जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए, उसको ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो ये एक बहुत कॉमन गोल है कि बच्चे को यस एंड नो सिखाएं। एक बात याद रखें कि जब भी आप बच्चे को यस एंड नो सिखा रहे हैं तो जिस चीज़ की बेस पर आप बच्चे को यस एंड नो सिखा रहे हैं वो हाईली प्रेफर्ड होनी चाहिए। मसलन, अगर बच्चे का बाहर जाने को दिल कर रहा है और वो बार बार दरवाज़े की तरफ जा रहा है तो आपको उस टाइम बच्चे से पूछना है कि क्या आपको बाहर जाना है, तो बच्चा आपको फौरन यस और नो में आंसर करेगा। इसी तरह अगर बच्चे को उसका फेवरेट टॉय चाहिए तो आप उससे पूछेंगे कि आपको ये टॉय चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा कि वो झपटा मारेगा उस टॉय के ऊपर या चलकर अपने टॉय की तरफ आएगा। तो उस टाइम आप उससे कहेंगे कि यस आपको टॉय चाहिए, यानी आप उसको यस वाजे करके बताएंगे कि यहाँ उसको यस बोलना है। आप उसे यस का कार्ड दिखाएंगे, आप बोल कर अपना सर हिला कर और कार्ड्स दिखा कर यस एंड नो का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। और अगर बच्चा अपने टॉय की तरफ आता है तो फौरन उसे टॉय दें और यस का कार्ड दिखाएं और साथ बोलें कि यस आपको ये टॉय चाहिए, ताकि बच्चा यस के लिए कोई ना कोई इशारा पकड़ ले। सेम थिंग नो के लिए भी आप रिपीट करेंगे। और जब आप देखें कि बच्चा उस टॉय से खेल कर थक चुका है तो आप उससे फिर पूछेंगे कि आपको ये टॉय चाहिए, तो उसको नो का कार्ड दिखाएंगे और बोलेंगे कि नहीं आपको अब ये टॉय नहीं चाहिए। और ध्यान रखें कि जब आपने किसी चीज़ के लिए नो बोल दिया है तो उस पर कायम रहना है। बच्चा उसके लिए फिर जितनी भी ज़िद करे आपने उसे वो टॉय नहीं देना, आप स्ट्रॉन्गली नो पर कायम रहेंगे। और जब भी आप बच्चे से कुछ पूछेंगे तो उसके आंसर का वेट करें कि वो नो और यस में कुछ कहे तो आप उसको वो चीज़ दें या वो काम करें जिसके लिए आप उससे नो और यस कहलवा रहे हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी के ज़रिए चूज़ करने का कॉन्सेप्ट और यस एंड नो का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसके लिए आप घर से ही आसानी से ये चीज़ें लेकर कर सकते हैं। आप 6 चीज़ें लेंगे, 3 बच्चे की फेवरेट और 3 जो वो नहीं खाता। तो हम बच्चे को चेयर पर बिठाएंगे और कुछ इस तरह से चीज़ें रख कर सबसे पहले चीज़ें बच्चे को टेस्ट करवाएंगे। बहुत कम लेंगे उसे खिलाने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चा क्रेविंग हो कि मैंने खाना है, और आहिस्ता आहिस्ता उसे टाइम दें कि वो अच्छी तरह चबा कर खा ले और उसे टेस्ट कर ले। अब मैंने इसे सब कुछ टेस्ट करवा दिया है, अब हम यस एंड नो का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक एक चीज़ उठाकर उससे पूछेंगे कि ये खाना है उसने, और उसे बोलेंगे कि यस और नो में आंसर करे या सर हिला कर आंसर करे या कोई भी इशारा दे यस और नो का। अब मैं उसको सब कुछ दिखाकर पूछ रही हूँ और वो यस और नो में बोलकर आंसर कर रहा है। अब 3 चीज़ें उसकी फेवरेट खिलाने के बाद एक चीज़ वो खिलाएंगे जो उसकी फेवरेट नहीं है, और उससे नो का रिस्पॉन्स लेने के लिए मैं उसको मिर्ची खिलाऊंगी, वो नो में आंसर कर रहा है। आप सेशन में जब भी बच्चे से बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि ये बिस्किट आपका फेवरेट है, मैंने आपके लिए मंगवाया है, आप बहुत ज़्यादा खाते हो तो आप खाओगे, बहुत टेस्टी है,
इतना आपने कुछ भी नहीं बोलना, आपने सिर्फ बोलना है बिस्किट और बच्चा कहेगा यस और नो, फालतू का कुछ भी नहीं बोलना। आपने बहुत शॉर्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है। आप जितना कम और साफ बोलेंगे बच्चा उतना ही जल्दी उस टारगेट को अचीव करेगा। तो इस तरह से आप सम आइटम्स लेकर बच्चे को चूज़ करना और यस एंड नो का कॉन्सेप्ट करना सिखा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।